press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. And डायस पे आज बहुत सारे एक से बढ़कर एक सितारे हैं. मैं चाहूंगा कि संजय दत्त आपकी जिंदगी में कितना अहमियत रखते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने संजू को जाना, अगर आप लोग बता सकें. विदु सर अगर आप शुरू करें और विजय सर एंड करें. संजू सर की अहमियत आपके जीवन में कैसे है, आप कैसे उन्हें जानते हैं, जरा एक एक करके अगर आप सभी लोग दो दो लाइनें बोल दें. देखिए संजू को असल में जब वो संजू पहली बार जेल गया था, मैं उसको जानता नहीं था, तो उस वक्त अगर आपको याद हो, इन सबको याद होगा जो बैठे हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था. तो मैं संजू को जानता नहीं था, मैं उनके घर गया और मैंने एक फिल्म अनाउंस की और मुझे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, इंडस्ट्री ने ही ब्लैकलिस्ट किया. तो वो फिल्म हमने अनाउंस की, फिर जब संजू जेल से निकला तो उसने मुझे फ़ोन किया तो कहता कि मैं फिल्म बनाऊंगा आपके साथ. मैंने कहा भैया मेरी तो फिल्म है ही नहीं. उनका आपने तो अनाउंस किया. मैंने कहा यार वो तो मैं आई टुक अ स्टैंड बिकॉज टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी, टिल एनी बडी इज प्रूव गिल्टी इज इनोसेंट. तो उसको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया. फिर वो घर आया और दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड ही सेड दैट वी विल वर्क टुगेदर. मैंने कहा नॉट नाउ, इट वॉज जस्ट अ स्टैंड आई टुक. देन वी वर्क विद हिम फॉर मैनी फिल्म लाइक मिशन कश्मीर, एकलव्य, मुन्ना भाई. सो संजू इज लाइक अ पार्ट ऑफ आर लाइफ. मगर जो इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनी, जब मुझे अभिजात जोशी और राजू ने सुनाई, तो जिस संजू को मैं जानता था, मुझे लगा कि मैं संजू को जानता ही नहीं हूँ. क्योंकि ये कहानी जो है और सच कहानी है, ये इतनी आगे है उस संजय से जो मैं 20 साल से 15 साल से जानता हूँ कि इट्स अनबिलीवेबल. और ये मेरा संजू के साथ. दिया मनीषा जी एक एक करके प्लीज अगर आप लोग दे दो. मैं संजू सर कहती हूँ उन्हें. उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और हमेशा मेरा एहसास उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए यही रहा है कि ही इज़ बिन एक्सट्रीमली वॉर्म, अफेक्शनेट, काइंड, जेनरस. एंड जब मैंने ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो इट जस्ट ब्लू माई माइंड. आई कुडंट बिलीव हाउ लेयर्ड and how detailed this narrative was, and it revealed you know aap jab industry ka hissa hote hai to you hear things about people, but when I heard the script I heard things that I had never heard before, and that was just remarkable about it. And I felt like for some reason I feel closer to him now than I ever did before, and I feel more connected with him than ever before, and we all love him unanimously. The Baba that I know is all heart, and मैंने तीन चार फिल्में की उनके साथ. He's always been like a prankster, happy, all heart kind of a person, and I'm really looking forward to seeing this film because there's many aspect of his life that I didn't know. So I'm keen to watch this movie. Hello. Mera sawal Ranveer ji se hai, yahan pe. First seat. Mujhe Akshay Khanna sahab ka, I distinctly remember, mujhe kuch 5 ya 6 January ko unka SMS aata 2017 mein. But there is a script coming your way, aur aisa spiritual writing, unhone kaha maine kahin dekha nahi hai. बाद में मैं मिला, मुझे बुलाया गया, मैं मिला, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बात बिल्कुल सही थी कि इतना स्पिरिचुअल राइटिंग हिंदी सिनेमा में कभी हुआ नहीं है. ज़बरदस्त स्क्रिप्ट थी. एंड मुझे राजू हिरानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मुझे माय फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी. तो विनोद भाई विल अग्री टू इट, मैंने पैसे की भी बात नहीं की. एंड आई एम इन दिस फिल्म और मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही लकी आदमी हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म मिली है, ऐसा किरदार करने को मिला है उस बंदे का, कि जिस बंदे को मैं बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करता हूँ उनकी. और ऐसा इंसान, मैं ये शायद कहूँगा कि थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने दत्त साहब को देखा है. ऐसे इंसान थे. हेलो.
मेरा सवाल रणबीर कपूर जी से है। सारे लोग उसका सवाल ही नहीं खत्म हुआ, उसने बड़ा लंबा सवाल पूछा एक आदमी ने, उसने सबको एक ही में ले लिया। मेरे लिए एज फिल्म मेकर्स हम सब ग्रीडी होते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट मिले जो बहुत इंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, लोगों को हंसाए रुलाए। सो जब संजू से मैंने उनकी कहानी सुनी तो एक कहानी तो जो है जो आप सबको पता है, काफ़ी प्रेस में उनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है, सब एक कहानी जानते हैं, पर मैंने जो एक कहानी सुनी जिसमें एक फादर सन की स्टोरी थी और एक दोस्ती की कहानी थी। सो इसेंशियली ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं कहीं पढ़े होंगे। सो आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा ये बाप बेटे की कहानी और एक दोस्ती की कहानी है, और हमने पूरी ईमानदारी से कही है, यानी जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। सो फॉर मी इट वॉज ग्रेट टू गेट अ ग्रेट स्टोरी। I just wanted to work with Raju sir, so I said yes to the film. It was as easy as that, and I wanted to be a part of Vinod uncle's any films that he makes, and so anything. Sorry. Stage pe acche khate shave karke aaya, itna good looking. Aisa nahi karna chahiye yaar. I just wanted to be a part. I've wanted to be a part of his production, and whatever films he's going to offer to me, I'll always say yes. So for the next 1 year, I'll be standing on stage with them only. So I'm very happy to be here, and I'm very happy to work with Ranbir after 10 years. Check check, ये ठीक है? Hello, check check check, आ रहा है? Okay, I think मैंने ये पहले भी कहा है, क्योंकि मैं एक साल से अभी संजू सर के बारे में बहुत बातें कर रहा हूँ। मुझे मैं छोटा था, फिर मेरे कबर्ड के वॉल पे संजू सर का पोस्टर था, and now today in front of all of you I'm in his shoes, you know, looking at you, at trying to represent him, and I think in my life I really want Sanju sir to like me. I know I can never be the man he is, I can never be the person he is, but in every which way that I go about in my career as a person, even through this film, I really want Sanju sir to like me, because I feel that he's a man that I respect a lot. I really look up to him, and I really hope that he feels that I have represented his life in a very honest and true way. आप सबकी तरह मैं भी उनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ, और मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हमारे घर पे अभी भी एक तस्वीर है जहाँ पापा बिफोर बिकमिंग एन एक्शन डायरेक्टर एज ए स्टंटमैन संजू सर के बॉडी डबल थे इन वन ऑफ हिज फिल्म्स। सो अभी भी मेरे पास एक तस्वीर है जहाँ उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, एंड बिटवीन शॉट्स मट्टी में है और सब कुछ, वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है। सो फॉर नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा प्ले करने का जो मौका मिला है, इट फील्स ट्रूली स्पेशल। आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला। सो थैंक यू राजू सर, थैंक यू विनोद सर, मुझे ये मौका। श्याम जी इज हियर, विकी डैड इज हियर, सर एक बार फॉर श्याम कौशल सर, वन ऑफ द टॉप सन डायरेक्टर्स इन द कंट्री, एंड वी आल्सो हैव भूषण सर जॉइनिंग अस फ्रॉम टी सीरीज।